प्रकृति हमारी माता है और पर्यावरण हमारा संरक्षक है। शुद्ध पर्यावरण हमें उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक सुख, शांति, समृद्धि देता है। स्वस्थ होने पर ही विद्यार्थी पढ़ाई पर, कर्मचारी कार्य पर, व्यापारी व्यापार पर, समाजसेवी समाज सेवा पर, उद्योगपति उद्योग पर शत प्रतिशत ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। पर्यावरण की शुद्धता के लिए अनेकों कारक जिम्मेदार है, परंतु उनमें से एक पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण। खरगोन शहर के प्रतिष्ठित स्कूल आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी कॉलोनी में घर घर जाकर तथा बाजार में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर सभी नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं कि पॉलिथीन का उपयोग बंद करें। विद्यार्थी नागरिकों से संपर्क कर रहे, उन्हें समझा रहे हैं कि प्लास्टिक का विघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है तथा यह पृथ्वी की सतह पर जमकर भूमि को प्रदूषित करती है, इसकी उर्वरा शक्ति को कम करती है। यहाँ तक कि प्लास्टिक को पॉलिथीन में गाड़ने पर या उसे जलाने पर उसमें से जहरीली गैस निकलते हैं जो वातावरण को दूषित करती है। शहर में घूमने वाले जानवर जब पॉलिथीन को भोजन के साथ खा जाते हैं तो इसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस पॉलिथीन को यदि हम नदियों में फेंकते हैं तो जलीय जीव जंतुओं को यह नुकसान पहुंचाती है। अधिकांशतः प्लास्टिक का कचरा नदी, तालाब या समुद्र में मिलकर जल को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक का कचरा समुद्र तटों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता को बिगाड़ता है। रविवार को आदित्य इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 6 से लेकर 8 तक के 200 विद्यार्थी स्टाफ के सदस्यों ने टाउन हॉल एरिया व सब्जी मंडी एरिया में नागरिकों से संपर्क कर पॉलिथीन का प्रयोग न करने की सलाह दी तथा उन्होंने उसे स्कूल की तरफ से कपड़े की थैलियों का वितरण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने दुकानदारों से संपर्क करके कहा कि आप कपड़े की थैली या कागज की थैली का उपयोग करें, उसमें ही ग्राहकों को सामान दे। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के इस पहल का नागरिकों ने स्वागत किया तथा नगर को सुंदर बनाने में विद्यार्थियों के इस प्रयत्न की खुलकर तारीफ की। नमस्ते सर, हम आदित्य इंटरनेशनल स्कूल से आए हैं। मेरा नाम यति भावसार है। हम सबको ये बता रहे हैं कि आप प्लास्टिक यूज ना करें, क्योंकि इससे मनुष्य और जानवरों की सेहत खराब होती है और उनकी मौत हो जाती है। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे बहुत जहरीली गैस निकलती है जो पर्यावरण को हार्म करती है और प्रदूषित करती है। तो आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी प्लास्टिक यूज ना करें, पर्यावरण और खुद की सुरक्षा करें। धन्यवाद। यति भाव सर, हम आदित्य इंटरनेशनल स्कूल से आए हैं और हमारा सिर्फ एक ही संदेश है इस खरगोन की जनता को कि जिस तरीके से हम पॉलिथीन का यूज़ दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी पहुंचा रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी पहुंचा रहे हैं, जीव जंतु को भी पहुंचा रहे हैं। जिसके लिए हमारे डायरेक्टर सर ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है कि हम इस पर्यावरण को दूषित करने की बजाय हम उस प्रदूषण को रोकें और उसके लिए हम खरगोन के लोगों में अवेयरनेस फैलाए, जिसके लिए आज हमारे बच्चे डायरेक्ट खरगोन की जनता से संपर्क कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मैं अनीश पाटीदार हूँ। मैं आदित्य इंटरनेशनल स्कूल का एक छात्र हूँ। आज हमारी स्कूल ने प्लास्टिक बैन अभियान में एक कार्य रखा था, जिसमें हमने पूरे शहर में कपड़े की थैलियाँ बांटी, जिससे जो लोग हैं वो प्लास्टिक की पॉलीथीन को बंद कर कपड़े की थैलियों का उपयोग करें, जिससे हमारा जो नेचर है वो प्रदूषित ना हो। क्योंकि प्लास्टिक से जब हम इधर उधर प्लास्टिक फेंक देते तो उससे कई जानवरों की मृत्यु हो जाती है और वो बहुत तड़प तड़प के मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा बस यही मिशन है कि आप भी कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करें और उसकी जगह कपड़े का बैग का उपयोग करें। धन्यवाद। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।